टेलीविजन अभिनेत्री निया शर्मा बिग बॉस ओटीटी में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि वह किस तरह के ट्विस्ट साथ लाएंगी और कौन सा कनेक्शन या कंटेस्टेंट उनका टारगेट होगा। निया जमाई राजा, नागिन 4 और कई अन्य फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी उत्सुकता व्यक्त की है और अपनी रणनीति और पसंदीदा प्रतियोगी के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा बिग बॉस में प्रवेश करने के लिए चर्चा में रही हूं, लेकिन कभी काम नहीं किया। आखिरकार समय आ गया है, आखिरकार मैं ओवर द टॉप हूं। मैं इस शो का अनुसरण कर रही हूं और मुझे पता है इस बार जब मैं अंदर आ जाऊंगी तो मुझे क्या करना है। ठीक है, मैं थोड़ा संकेत दे सकती हूँ कि प्रतीक सहजपाल मेरे पसंदीदा प्रतियोगियों में से एक है और मैं चाहती हूँ कि वह मेरा कनेक्शन बने। मेरी रणनीति सरल है, जियो और जीने दो। लेकिन हाँ, आप कभी नहीं जानते कि मेरी वास्तविक रणनीति क्या है, इसलिए शीर्ष मसालों के लिए तैयार रहें, बने रहें। बिग बॉस के घर में निया की एंट्री निश्चित रूप से गेम के डायनेमिक चेंज करने वाली है, तो अब इंतजार करने और देखने का समय आ गया है। शो के अन्य प्रतियोगी मिलिंद गाबा, अक्षरा सिंह, दिव्या अग्रवाल, नेहा भसीन, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, मूसे जट्टान, शमिता शेट्टी, राकेश बापट हैं। बिग बॉस ओटीटी रियलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन है। फिल्म निर्माता करण जौहर शो के डिजिटल संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। डिजिटल एक्सक्लूसिव के पूरा होने के बाद शो बिग बॉस के सीजन 15 के लॉन्च के साथ कलर्स में चला जाएगा, जिसे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्ट करेंगे। सलमान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बिग बॉस 15 का नया प्रोमो डाला है। इसमें सलमान जंगल में घूमते नजर आ रहे हैं, जब उन्हें एक पेड़ से आने वाली आवाज सुनाई देती है जिसे वे विश्व सुन वृक्ष कहते हैं, तो वह पेड़ से बातचीत करने लगते हैं। पेड़ के लिए बोलते हुए रेखा सलमान का स्वागत करती हैं और वह बिग बॉस 15 के घर के बारे में पूछताछ करती हैं। प्रोमो से लगता है कि इस सीजन के प्रतियोगियों को बिग बॉस के घर में आने से पहले ही जंगल से गुजरना होगा और इसके कई खतरों को सहना होगा। क्या वे सभी इसे सुरक्षित रूप से बनाएंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। कलर्स पर जल्द आ रहा है बिग बॉस 15। INS रिपोर्ट।